बसवा कल्याण में मौजूद हजरत शेर सवार बैतुल माल ट्रस्ट के जेर अहतमाम इस साल दूसरी मरतबा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सीरतुन नबी के उनवान पर एक तहरीरी मुकाबला यानी रिटर्न कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें न सिर्फ बसवा कल्याण बल्कि मुल्क के किसी भी कोने से आप इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं। सीरतुन नबी कॉम्पिटिशन अल अरबियान किताब के रिलेटेड रखा गया है और इस कॉम्पिटिशन में आप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एज लिमिट 15 साल और इससे ज्यादा होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी और बुक आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। 22 सितंबर को एग्जाम्स लिए जाएंगे और 6 अक्टूबर को रिजल्ट होगा। और इस कॉम्पिटिशन में जीतने वालों के लिए प्राइस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपया, सेकेंड प्राइज 20,000 रुपया, थर्ड प्राइज 15,000 रुपया, फोर्थ प्राइज 10,000 रुपया और फिफ्थ प्राइज 5,000 रुपया दिया जाएगा। और इसके अलावा 15 मेंबर के लिए 2,000 रुपया और 15 मेंबर के लिए 1,000 रुपया प्राइस भी रखा गया है। प्राइस के साथ तमाम स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। अगर आप गुलबर्गा से इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ओपन कर ऑनलाइन कॉम्पिटिशन के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस कॉम्पिटिशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हजरत शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल ट्रस्ट बसवा कल्याण के जेरे एहतमाम दूसरी मरतबा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरबहार मौके पर मोहसिन इंसानियत के सीरत मुतहरा को आम करने के लिए एक तहरीरी मुकाबला बर किताब अल अरबैन फी फजाइल नबीउल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतारीख 22 सितंबर 2024 ईस्वी बरोज इतवार को मुनक्किद किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन का आगाज 29 अगस्त 2024 ईस्वी से होगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दफ्तर बैतुल माल से एप्लीकेशन फॉर्म हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 7 सितंबर 2024 ईस्वी है। सरे फहरिस्त कामयाब उम्मीदवारों में इनामात कैश और असनाद की शक्ल में दिए जाएंगे, जबकि तमाम रजिस्टर उम्मीदवारों को तौसीही सनद से नवाजा जाएगा। कामयाब उम्मीदवारों में इनामात की तकसीम का प्रोग्राम इंशाल्लाह 6 अक्टूबर को होगा। इनामात की तफसील कुछ इस तरह है। पहला इनाम 25,000 रुपये, दूसरा इनाम 20,000 रुपये, तीसरा इनाम 15,000 रुपये, चौथा इनाम 10,000 रुपये, पांचवा इनाम 5,000 रुपये और कुल 30 तरगीबी इनामात में से 15 उम्मीदवारों को फीकस 2,000 रुपये और 15 उम्मीदवारों को फीकस 1,000 रुपयों से नवाजा जाएगा। शरायत: रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 15 साल होना लाजमी है। उम्मीदवार को 100 रुपये बतौर रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होगी। रजिस्टर्ड उम्मीदवार को किताब अल अरबैन जो कि निसाब में शामिल है मुफ्त दी जाएगी, जिसकी कीमत 200 रुपये है। सवाली पर्चा 50 सवालात पर मुश्तमिल होगा। हर सवाल के जवाब के लिए 2 निशानात मुख्तस रहेंगे। उम्मीदवार अपना जवाब उर्दू या रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं। इस मुकाबले में मर्द ख्वातीन दोनों हिस्सा ले सकते हैं। इस मुकाबले में बसवा कल्याण के अलावा हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीदवार को दरखास्त फॉर्म के साथ 1 अदद आधार कार्ड की कॉपी, 2 अदद फोटोज और 100 रुपये जमा करना लाजमी है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतलिल आलमीन। जैसा कि आपने तहरीरी मुकाबला बल किताब अल अरबैन फी फजाइल नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक तफसीली तौर पर आपने अभी सुना है, मैं आपकी गोशगुजार करता चलूं कि हमने इस तहरीरी मुकाबले के लिए इसी किताब को क्यों मुंतखब किया है। ये जो अल अरबैन किताब है, ये अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल खादरी साहब क़िबला, जो आलम इस्लाम के बहुत ही मशहूर व मारूफ इस्लामी स्कॉलर है, उन्होंने आज से तकरीबन 52 साल कबल यानी 1972 के दरमियान अपने इंतकाब के दरमियान दौरान इस किताब को तरतीब दिया है। इस किताब में है क्या, अल अरबैन है क्या, ये एक 40 अहादीस का मजमुआ है। 40 अहादीस के ताल्लुक से अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब क़िबला फरमाते हैं कि अहादीस मुबारका में आता है कि जो शख्स
इन 40 अहादीस, ना सिर्फ ये 40 अहादीस, वो किसी भी ताल्लुक से जो 40 अहादीस होते हैं, उन 40 अहादीस को जो शख्स याद करता है, पढ़ता है और दूसरों तक पहुंचाता है, वो कयामत के दिन शुहदा और फुकहा के जिम्रे में उठाया जाएगा। इसीलिए हमने इस किताब को मुंतखब फरमाया है। इस किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का बहुत ही तफसीली जामे आपने खाका खींचा है। मुख्तलिफ जो 40 अहादीस हैं, वो 40 अहादीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फजाइल व मनाकिब हैं, उनको इकट्ठा करके अल्लामा ताहिरुल खादरी साहब ने 105 अहादीस को इकट्ठा किया है। सो इस किताब में 40 जो खसूसियात हैं, जो 40 फजाइल व मनाकिब हैं, शमाइल व कसाइल हैं, उन 40 शमाइल व कसाइल को मजमून बनाकर, उनवान बनाकर अल्लामा ताहिरुल खादरी साहब ने इस किताब में 105 अहादीस को जमा किया है। सो इस किताब को पढ़ने से एक फायदा ये होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 40 अहादीस को याद करने की जो अहमियत व अफादियत है, वैसे कोई फारिग औकात में हो या किसी भी तौर पे हो, कोई बंदा अहादीस को याद नहीं करता, तो इस मुकाबले के जरिए से, इस मुकाबले के जरिए से एक हमारे पास एक मौका, बेहतरीन जरीन मौका कहूंगा मैं, क्योंकि ये जो अहादीस हैं, 40 अहादीस को अगर कोई बंदा कर लेता है तो याद रखिए कि अहादीस हदीस की रूह से बात साबित है कि वो रोज़ क़यामत शोदा व फुखा के जिम्मे में उठाया जाएगा। तो मैं जो भी नाजरीन है, जो भी सामाइन है, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन जो जिसकी आखिरी तारीख है 7 सितंबर, इंशाल्लाह 29 अगस्त से इसका आगाज होने जा रहा है रजिस्ट्रेशन का, 7 सितंबर तक आपके पास टाइम है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इससे, इस किताब से भरपूर फायदा उठाएं। इंशाल्लाह इस एग्जाम का जो इम्तिहान होने जा रहा है, वो इम्तिहान 22 सितंबर को होगा। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम जो भी इसकी एलिजिबिलिटी बताई गई है, उस पर अगर खरे उतरते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर इस किताब से भरपूर फायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो किताब है, ये किताब मतलब आपको प्रोवाइड करेंगे या ये किताब, हमने रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 100 रुपये रखी है। ये किताब की कीमत चूंकि 200 रुपये है, हम जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको ये किताब हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। इसी किताब से सवाल होंगे, इसको हटके कोई सवाल नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर आगे करना होगा? या दफ्तर बैतुल माल में करवाना होगा, पूरा नाम। हाँ, शेर बैतुल माल जो ट्रस्ट है दरगाह के बाजू, वहाँ पर ऑफिस है, इसके ऑफिस में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम आपको नंबरात भी देंगे, उन नंबरात पर भी आप कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन की भी इसकी सहूलत है।